कैंसर कितना लोडेड शब्द है ना। जैसे ही कोई इसका नाम लेता है हम सबके सामने किसी ना किसी का चेहरा आ जाता है। एक टाइम था कि कैंसर औरों को होता था, लेकिन पिछले 10-15 सालों में अपनों को होने लगा है। लेकिन ट्रीटमेंट का खर्च अब भी बहुत लोगों की पहुंच के बाहर है। हम सब उन केसेस के बारे में जानते हैं, अक्सर सुनते हैं, जहां लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपने एसेट्स, यहां तक कि अपने घर तक बेच दिए टू सेव अ लव्ड वन। अब कैंसर ना होने की टिप तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कैंसर से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रॉमा को अवॉइड करने की टिप जरूर है। हाय, आई एम वानी और इंश्योरेंस के बारे में मैं बहुत ही पैशनेट हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही मिसअंडरस्टूड भी है। LIC और मैं इस वेब सीरीज के माध्यम से इंश्योरेंस के बारे में कुछ कन्फ्यूजन्स दूर करना चाहते हैं। शुरू करें तो आज की हमारी टिप है कैंसर सर्वाइवल पे, फाइनेंशियली ऑफकोर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो है कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल है इस सिचुएशन में। हम अपनी हेल्थ का अच्छा ध्यान रख सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स से दूर रह सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी हम 100% सेफ रहेंगे। हम अपने चांसेस कम जरूर कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट ब्रिंग दीज टू जीरो। आजकल कितनी रिसर्च ऐसी है जो रोजमर्रा की चीज़ों को कैंसर से लिंक करती हैं, जैसे कि माइक्रोवेव्स, प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह वगैरह वगैरह। हमें लगता है कि केवल स्मोकिंग और तंबाकू जैसी जानलेवा आदतों से दूर रहें तो हम कैंसर से भी दूर हैं, मगर अफसोस कि अब ऐसा नहीं है। सो इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हम रेगुलर मेडिकल चेकअप्स कराएं। जितना अर्ली डिटेक्शन उतना बेटर प्रोग्नोसिस और उतना ही छोटा ट्रीटमेंट। सेकेंड, अपने लिए एक कैंसर कवर पॉलिसी जरूर लीजिए। यस, क्योंकि यही एक ऐसा एरिया है जहां आपकी मेडिकल पॉलिसी भी कम पड़ सकती है। एक तो अमाउंट की बात है और दूसरा ये कि वो अमाउंट किन चीज़ों में खर्च कर सकते हैं आप। हेल्थ इंश्योरेंस आपके हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट कवर करता है, मगर ट्रैवल कॉस्ट उसका क्या? प्री हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट्स जैसे कीमोथेरेपी, क्योंकि कैंसर का इलाज अलग है, इसकी ज़रूरतें भी अलग होती हैं, और इसीलिए LIC ने कैंसर कवर प्लान को कुछ हटके बनाया है। कैंसर पेशेंट्स की पहली जरूरत कैश इन हैंड, ट्रीटमेंट के लिए ही नहीं मगर ट्रीटमेंट से रिलेटेड हर छोटे बड़े खर्च के लिए। कई बार हम जिस शहर में होते हैं उस शहर में स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल्स होते ही नहीं। कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनको शहर बदलने पड़ते हैं, क्योंकि अक्सर कैंसर का ट्रीटमेंट साल दो साल तक चलता है। कैंसर पॉलिसीज में आपको अपने कवर का 100% पे आउट मिल जाता है अगर डायग्नोसिस मेजर स्टेज की हो, साथ में कवर का 1% हर महीने। अगर आपका कवर 50 लाख का है तो हर महीने आपको 50,000 मंथली इनकम अगले 10 सालों के लिए। कैंसर के साथ लड़ने के लिए पूरी स्ट्रेंथ चाहिए होती है और इस समय नौकरी या बिजनेस होल्ड पे जाता ही है, तो ये जो एक्स्ट्रा मंथली इनकम आ रही है वो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत काम आती है। अगर पेशेंट नहीं रिकवर करते तो उनकी फैमिली को ये मंथली इनकम मिलती है जब तक 10 साल नहीं बीतते। अगर कैंसर माइनर स्टेज का है तो आपको अपने कवर का 25% पे आउट मिल जाता है। सो अगर आपके कवर 20 लाख के हैं तो 5 लाख पे आउट, और बाकी अगर कैंसर मेजर स्टेज तक जाता है तब। और ये सब आपके हर महीने के चाय कॉफी के खर्च से भी कम दाम में। जानते हैं साल के 3,000 रुपए भी नहीं लगते 25 लाख के कवर के लिए किसी 30 साल के इंसान के लिए, यानी हर महीने के 250 रुपए से भी कम। कैंसर कवर फैमिली के किसी बुजुर्ग की तरह ही है, समय आने पर पीछे नहीं हटता और वो सब करते हैं जिनकी जरूरत है बिना किसी कहा सुनी के। डायग्नोसिस से लेकर मंथली इनकम तक आपको बस डायग्नोसिस रिपोर्ट LIC की ब्रांच में सबमिट करनी होती है विद नो एक्स्ट्रा पेपर वर्क। सुन के ही रिलीफ हुआ ना। इमेजिन कीजिए कि लाइफ के उस टाइम पे जब सारा फोकस रिकवरी पे रखना हो ऐसा एक्चुअली हो पाए। आधी लड़ाई तो आप वहीं जीत जाते हैं जब पैसे का स्ट्रेस नहीं होता।
ना किसी और पे डिपेंड रहने की जरूरत, ना जिंदगी भर की मेहनत के बनाए हुए एसेट्स को तोड़ने की जरूरत। तो सोचिए और अपनी फैमिली से इस बारे में बात कीजिए। ये बातें अनकंफर्टेबल जरूर हैं, मगर जरूरी भी हैं। और फिर अपने LIC एजेंट से कैंसर कवर पॉलिसी की जानकारी भी लीजिए। इस हफ्ते आपके 2 मिनटों के लिए बहुत शुक्रिया मेरी और LIC की ओर से। हमारा शो लाइफ इंश्योरेंस मेड इजी आपके लिए हर हफ्ते हाजिर है। तो अगले हफ्ते हम 2 मिनट में बात करेंगे क्रिटिकल इलनेस पर।